आज साल का ये अंतिम दिन जो कि 31 दिसंबर 2021 यहाँ पर एक स्पेशल गैदरिंग और गैदरिंग में भी स्पेशल मेंबर्स में उन आए हुए यूं तो सभी गेस्ट का हार्दिक स्वागत करता हूँ, बट उनमें से भी स्पेशल जो हमारे गेस्ट हैं मैं इन दोनों का, दीप्ति और योगेश जी, इनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ कि आज इन्होंने कीमती बिजी शेड्यूल में से योगेश जी ने जो टाइम निकाला और यहाँ पर आए, मैं इनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ एक बार फिर। और ये न्यूली मैरिड जो कि अभी अभी 13 नवंबर को इनकी शादी हुई थी, 14 नवंबर को शादी हुई थी और उसके बाद आज यहाँ पहली बार पधारे हैं, इसके उपलक्ष्य में भी इनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। यूँ तो इनकी ताज़ा ताज़ा शादी, इनसे कुछ पूछ ही लेता हूँ कि भाई पहले धर्मपत्नी का फर्ज बनता है, लेडीज फर्स्ट, तो आपको इस शादी से होने के बाद, होने से पहले तो आपने कुछ सपने सजाए होंगे, तो क्या वो सपने कुछ पूरे हुए? हाँ पूरे हुए। तो मैं परसेंटेज तो नहीं पूछूंगा पर आपको दो चार सेंटेंस में कि मैंने ऐसे सोचा था, ऐसे सोचा था, ऐसे, क्योंकि आप पढ़ी लिखी बहू हो। नहीं, मैंने जैसे सोचा था वैसे ही हुआ है और अच्छा भी लग रहा है। वेरी गुड। तो इन्होंने बहुत शॉर्टकट में बोल दिया है क्योंकि ये पढ़े लिखे बच्चे हैं दोनों। योगेश जी, आपके बारे में यूं तो हमने शुरुआत दौर में कुछ बातचीत करी थी, वो मुझे बोलचाल भाषा में बहुत अच्छे लगे थे, फिर मैंने आपकी एक फोटो भी व्हाट्सएप से निकाली थी और उसको भी मैंने देखा था तो मुझे लगा कि लड़का तो शरीफ है। और आज की वीडियो और आज की जो आपकी पर्सनैलिटी, उन दोनों में कोई अंतर नहीं है। मैं जो हमारा जजमेंट था उसमें आप 100% खरे उतरे। अभी मैं ये पूछता हूँ कि आप भी शादी करने के बाद आपको कैसा लगता है कि आपकी धर्मपत्नी जी कितनी खरी उतरी हैं? बिल्कुल, अभी तो अच्छा ही चल रहा है सब कुछ। चलो तो ये अच्छा है, तो अच्छा मैं भी कहूँगा कि ऐसा अच्छा चलता रहे आज का दिन और अगले आने वाले सालों साल भी ऐसे गुजरेंगे। आज इस साल की अंतिम दिन, नए साल की शुभकामनाओं के साथ हम आपके उज्जवल भविष्य की भी कामना करते हैं। इससे ठीक एक साल पहले एक और शादी हुई थी जिसके एक मेंबर यहाँ पर बैठे हैं। सो मैंने अभी अभी इस नए जोड़े का, जो कि नई बहू और नए दूल्हा जो कि अभी अभी रिसेंटली हुए, इसके ठीक एक साल पहले एक और जोड़ा है हमारे पास जो यहाँ पर नई दुल्हन के नाम से हमारे बहुत सारे वीडियो आए। आपको ये नया टाइटल आपको कैसा लगता है? अच्छा है, नया नया मिला शादी के बाद, नया रोल, नया टाइटल, नई बहू का। चलो तो आपको आपको जो अपनी धर्मपत्नी जी का एक साल गुजरा है आप दोनों का साथ रहने के, तो आपको ये टाइम कैसा गुजरा? अच्छा ही गुजरा है और टाइम का पता नहीं लगा ये कब, एक साल से ज्यादा टाइम हो चुका है अभी तक। आपको भी ऐसा महसूस होता है कि एक साल हो गया? पता ही नहीं चला कैसे निकल गया एक साल। ऐसे लगता है कि तो कल की बात हुई होगी। तो दोनों मिलके क्या हमें लगता है कि आपकी केमिस्ट्री कितने परसेंट ठीक है? 95% तो ठीक ही है। मतलब एक को बुखार आता है तो दूसरे को आता है, दूसरे को आता है तो उसको भी आता है, वो तो आता है। मतलब पंडित जी ने जो बताए थे कि इनके 35 गुण मिलते हैं, कितने में से? 36 में से 35। तो वो आपको लगता है कि 100% ठीक ही दिख रहा है। वैसे एक मैं भी ये कहूंगा कि आपको सास ससुर जी भी मिले और पति भी मिले इस घर में, चौथा मेंबर हमारा किट्टू है, तो आपको इस घर में कैसा लगा आप तक लोगों से बातचीत करते हुए एक साल में? मैंने बताया ना अभी कि एक साल निकल गया पता नहीं चला, और टाइम तभी नहीं पता चलता है जब टाइम बहुत अच्छा होता है, जब बेकार टाइम होता है ना तो वो टाइम बहुत लंबा लगता है और कभी भी अच्छा टाइम पता नहीं चलता है, बहुत जल्दी निकल जाता है। तो ओवरऑल सास ससुर